तो चलिए आज हम मूंग दाल की पकौड़े की सब्जी बनाते हैं। ये सब्जी इतना टेस्टी लगता है कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। 150 ग्राम हमारी मूंग दाल है। मूंग दाल को हम 3 से 4 घंटे भिगो के रखेंगे। दाल को हमने रात में ही भिगो के रख लिया था, ये पूरी तरह से फूल चुकी है। सब्जी की ग्रेवी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 6-7 कलियां लहसुन की, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। 1 हरी मिर्च और 6-7 कलियां लहसुन की एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का मैंने अलग से लिया है, जिसे हम दाल में पीस कर यूज करेंगे। दाल को हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं। साथ में हरी मिर्च, लहसुन अदरक को भी हम डाल लेते हैं। 4 चम्मच पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है। इसे हम एक बर्तन में डाल लेते हैं। मैंने मिक्सर जार को धो के तैयार कर लिया है। अब हम ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च सभी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हम छोटे छोटे पीस में ऐसे ही रफली काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को भी हम वैसे ही छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मैं आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप भी बेफिक्र होकर हमें सब्सक्राइब करें। सभी को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। तो चलिए इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। दाल में हम स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 2 चुटकी इसमें हम हींग डाल लेते हैं। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है, तेल भी हमारा गर्म है। तो चलिए हम हाथों या चम्मच की मदद से आप पकौड़े को बना लें। इसे तलते समय गैस की आंच मीडियम ही रखें। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसे हमें उलटते पुलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। डालने के कम से कम 5 मिनट बाद ही इसे पलटें। इसे तलने में हमें 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल को अच्छे से गिरने दें। मैंने फिर से सेम कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें हम बड़ी चम्मच से 5 चम्मच तेल डालते हैं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें जीरा को डाल दें, 1 तेज पत्ता डाल दें। तो चलिए इसमें हम जो ग्रेवी बनाए थे उसे डाल देते हैं। मसाले को हम धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट भून लेते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, प्याज टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। ग्रेवी के साथ मसाले को भी हम 2 मिनट और भून लेते हैं।
अब इसमें हम आधा कटोरी फैटी हुई दही लिए हैं, इसे हम डाल देते हैं। दही डालने के 2-3 मिनट बाद इसमें हम पानी डाल लेते हैं। जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल लें। एक छोटी सी कटोरी से मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी में हम 1 उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुका है। अब इसमें हम पकौड़े डाल लेते हैं। इसे ढक के हमें 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। 7 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारे अच्छे से पक चुकी है। अब हम अपना गैस बंद कर लेते हैं। ऊपर से धनिया पत्ती को डाल लें। ये सब्जी देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म परोस लेते हैं। इसे रोटी चावल किसी के साथ आपको खाने में अच्छा ही लगेगा। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मैं आपको याद दिला दूँ, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप भी बेफिक्र होकर हमें सब्सक्राइब करें।